सिमडेगा के लोम्बाई पंचायत में कोलेबीरा विधायक नमन विकसल कोनगाड़ी ने अखड़ा का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो की नीति भाजपा और भाजपा के सहयोगी झापा के द्वारा की जा रही है। भाजपा और झापा आदिवासियों की एक साजिश के तहत आपस में लड़ाकर आदिवासियत को समाप्त करने की साजिश कर रही है। भूल जाते हैं, वैसे लोगों को आदिवासी सूची से बाहर किया जाए और आदिवासी के नाम पर मिलने वाले सारी सुविधाओं से अधिकारों से वंचित किया जाए, ये नीति इन्होंने लाया था और इस आधार पर इसे लागू भी किया था और नौकरियों में इसे लागू भी कर दिया गया था, जिसकी जानकारी मुझे हुई जब मैं विधायक बना और जब पीएससी का मेंबर होने के नाते जब मैं प्रोसीडिंग देखा तो इन सभी चीजों को मैंने देखा और इसको मैंने आदिवासी सलाहकार परिषद में रखा और वहां पर इसका विरोध किया, इस गलत नीति का, कि आदिवासी समुदाय के लोग जो संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अपने इच्छा से धर्म अपने अपने धर्मों को मानते हैं, इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता है, आजादी है, इसलिए यह कहना गलत है कि आदिवासी समुदाय के लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, इसलिए उन्हें आदिवासी सूची से बाहर किया जाए और आदिवासी अधिकारों से वंचित। छपरा की मांझी पुलिस के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में पुलिस ने हथियार के साथ दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। पटना में बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार नहीं होते तो बीजेपी बिहार में शून्य पर आउट हो जाती। अब उनके बयान के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में एजाज अहमद ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दोनों ही पार्टियों की अलग विचारधारा है। संजय पासवान ने कल बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार साथ नहीं आते तो बीजेपी शून्य पर आउट होती, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर्द्वंद की स्थिति है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जहां सुनील चौबे कहते हैं 2025 में भाजपा नीत एनडीए सरकार बनेगी, वहीं संजय पासवान कहते हैं कि नीतीश कुमार अगर नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी जीरो पर आउट होती। तो पहले ये लोग अपने में फैसला कर ले कि किन की बात सही है, किन की बात गलत है, और दूसरे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में सब कुछ ठीक नहीं है। सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए जिस तरह से राजनीति की जा रही है वो राजनीति। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहां के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड च्वाइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।